आप यार क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे कि वो क्या फोर्थ ईयर में 1 करोड़ का पैकेज लेकर निकलेंगे, 50 लाख का पैकेज लेकर निकलेंगे, कि वो लोग इंजीनियरिंग के बाद सोच रहे होते हैं कि अब मुझे क्या करना है। हेलो एवरीवन, इट्स मी अमृत आनंद, कैसे हो आप लोग। तो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में लाइक कन्वर्सेशन आया है आप लोग के रिगार्डिंग। यार क्या आपको पता है कि आपने इंजीनियरिंग क्यों चूज किया हुआ था, या फिर आप इंजीनियरिंग चूज करने वाले हो, आप 12th में हो, या फिर आप इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो, तो आप क्यों इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब यूं ही करना चाहते हो, कोई भी रीजन नहीं है, सबको देख कर करना चाहते हो, या फिर क्या ऐसा रीजन है कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो? यदि कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इसके पीछे क्या रीजन है? और यार मेरा सब मानना है कि ये सारी क्वालिटीज यदि आपके अंदर नहीं है तो यार आपको इंजीनियरिंग फील्ड नहीं चूज करना चाहिए। आपको यदि सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर यदि बनना चाहते हो यार, तो आपको नहीं चूज करना चाहिए, आपको नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में। यदि ये सारी क्वालिटीज यार आपके अंदर नहीं है तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज है यार। तो वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना, बिकॉज काफी सारी ऐसी डिस्कशंस करने वाले हैं जो फ्यूचर में आपको जाकर प्रॉब्लम कर सकती है यदि आप ये सारी चीजें नहीं जानते हो तो। सच में यार ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली बात है, मैं मतलब बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा डराने वाली बात है यार अपने आप। तो यार जब मैं कॉलेज में था यार, तो मुझे ये बात बहुत डराता था, बहुत ज्यादा डराता था कि कहीं मैं वो एग्जांपल ना बन जाऊँ कि मेरे रिलेटिव्स या फिर मेरे दूर के रिलेटिव्स यार, या फिर मेरे फैमिली वाले, या फिर कोई भी बंदा मेरा एग्जाम्पल देकर बोले कि यार इसने इंजीनियरिंग की हुई थी और ये कहीं अच्छे जगह सेटल्ड नहीं है, कोई अच्छा एज ए डेवलपर या फिर एज ए इंजीनियर अपने कोर ब्रांच पे जॉब नहीं कर रहा है, ये घूम रहा है, ऐसा कुछ एग्जांपल मैं ना बन जाऊँ, या फिर जो इंजीनियरिंग किया हुआ है यार वो ना बन जाए एग्जांपल, उसको दिखाकर बोला जाए कि इसने करा हुआ था, इसकी कुछ नहीं हो पाया, इसलिए तुम भी मत करो। सोचो यार इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है यदि आप ऐसा एग्जांपल बनते हो तो। ऑलरेडी यार इंजीनियरिंग को लोगों ने इतना ज़्यादा बदनाम कर रखा है, इतना ज़्यादा इसको डाउन करके रखा हुआ है इस आज के टाइम में इंजीनियरिंग को। यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग क्यों चूज करते हैं, हम लोग के आगे क्या क्या ऐसे रीजंस आते हैं, क्या क्या ऐसे कंडीशंस आते हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग चूज करते हैं। सबसे फर्स्ट जो रीजन होता है इंजीनियरिंग चूज करने का वो ये है कि यदि हमारे रिलेटिव में, हमारे दूर के रिलेटिव्स में यार, दूर के रिश्तेदार में, या फिर हमारे दूर के किसी फैमिली मेंबर ने इंजीनियरिंग कर रखा है और वो कहीं पे अच्छे जगह पे सेटल्ड है, कहीं कोई अच्छा पैकेज के ऊपर सेटल्ड है यार, कुछ अच्छा कर रहा है लाइफ में, तो हम लोग सोचते हैं कि वो कर रहा है अच्छा, तो चलो हम भी इंजीनियरिंग कर लेते हैं और हम भी अच्छा कर लेंगे, मुझे भी एक बेस्ट पैकेज मिल जाएगा, अगर उसको मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा। तो ये सोच करके यार हम लोग इंजीनियरिंग को चूज कर लेते हैं जाकर के, तो फर्स्ट कंडीशन यही होता है। और ये यार सबसे गलत है, सबसे रॉन्ग डिसीजन है कि आप किसी रिलेटिव को देख करके, या फिर किसी फ्रेंड्स को देख करके, किसी दूर के रिलेटिव्स को देख लेते हो कि उसने अच्छा कर लिया इंजीनियरिंग करने के बाद, उसकी अच्छी पैकेज लगी हुई है, इसलिए आप भी कर रहे हो वो चीज। तो ये सबसे गलत डिसीजन है यार, सबसे रॉन्ग डिसीजन है। तो यार सेकंड जो कंडीशन हो सकता है यार, वो ये है कि आपका इंटरेस्ट हो सकता है इंजीनियरिंग में, आपका इंटरेस्ट हो सकता है टेक्नोलॉजी के अंदर। कुछ बच्चे होते हैं जिनका शुरू से टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए वो लोग इंजीनियरिंग को चूज करते हैं, बिकॉज वो टेक्निकल बनना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में इनको इंटरेस्ट होता है। बट ऐसा यार एक्सेप्शन ही होता है, बहुत ऐसे कम बंदे, मतलब आप कह सकते हो 100 में से 10 बंदे ऐसे होंगे जो बाय इंटरेस्ट जाते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है टेक्नोलॉजी में, वो इसलिए इंजीनियरिंग चूज करते हैं। जो यार थर्ड केस होता है इंजीनियरिंग चूज करने का, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस और अकॉर्डिंग टू लाइक मैंने जो देखा है, रिसर्च करा हुआ है, तो थर्ड केस जो होता है यार वो ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग को जल्दी से जॉब मिल जाएगा, लाइक विद इन 4 ईयर, 4th साल खत्म होते होते यार एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है काफ़ी लोगों को, जो लोग यार अच्छे करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो हमारा उनको मिल गया तो मुझे मिल जाएगा, 4 साल में जल्दी से जॉब मिल जाएगा, वरना हम अगर बीए करते हैं, एमए करते हैं, देन हम लोग बीएड करते हैं तो काफ़ी लंबा चला जाता है, और ये विद इन 4 ईयर हम लोग को एक अच्छी जॉब मिल जाती है, तो ये भी एक रीजन होता है इंजीनियरिंग को चूज करने का। और जो यार लास्ट रीजन मुझे मालूम चल रहा है, जो मुझे पता है लास्ट रीजन, वो ये है यार कि यदि आप 12th में हो और आपने मैथ ले रखा है, स्ट्रीम आपका मैथ है यार, मैथमेटिक्स है, तो आपको आप सोचते हो यार कि चलो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है 12th के बाद, तो आप इंजीनियरिंग कर लेते हो कि चलो यार इंजीनियरिंग कर लेते हैं, सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग के बाद देखेंगे क्या करना है। तो ये भी एक यार रीजन होता है कि कुछ समझ, जब हमें 12th के बाद कुछ समझ नहीं आता है और हमने मैथ ले रखा हुआ है, तो हम सोचते हैं चलो यार इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं, और सभी कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, तो ये भी एक यार रीजन है।
लास्ट रीजन में रिकॉर्डिंग है यार। यदि आपको और कोई रीजन पता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो कि ये भी एक रीजन होता है इंजीनियरिंग चूज करने का। पर मैंने आपको कुछ ऐसे चार रीजन बता दिए कि लोग इंजीनियरिंग क्यों चूज करते हैं, उसमें से यार एक रीजन तो एक्सेप्शन ही होता है, इंटरेस्ट वाला। तो ऐसे ऐसे रीजन की वजह से लोग यार इंजीनियरिंग चूज करते हैं, तो आप यार क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे कि वो क्या फोर्थ ईयर में 1 करोड़ का पैकेज लेकर निकलेंगे, 50 लाख का पैकेज लेकर निकलेंगे, जिसका रीजन ये है कि वो किसी और को देख करके इंजीनियरिंग कर ले रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा लाभ ला रीजन की वजह से लोग इंजीनियरिंग चूज कर ले रहे हैं, तो वो क्या फोर्थ ईयर में 50 लाख का पैकेज लेकर निकलेंगे? आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? हर साल इंडिया में 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं यार इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के। उसमें से केवल 2 लाख ऐसे इंजीनियर होते हैं जिनके पास रेलेवेंट जॉब होता है, उनके कोर फील्ड से जॉब होता है यार, वो जॉब कर रहे होते हैं। 13 लाख ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जो इधर उधर केवल कर रहे होते हैं यार, वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के कोई लाइक गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहा होता है, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में चला जाता है यार। कुछ लोग यार बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स में चल जाते हैं यार, और कुछ लोग तो सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, इंजीनियरिंग तो मैंने कर लिया 4 साल, अब हम क्या करें। कुछ लोग सोच रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो लोग इंजीनियरिंग के बाद सोच रहे होते हैं कि अब मुझे क्या करना है। हम लोग पहले उनकी बात करते हैं जो लोग अभी क्लास 12th में है या फिर क्लास 10th में है यार, और उनका सपना है, उनका ड्रीम है कि हम भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे या फिर कोई भी इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियरिंग करने का सपना उन्होंने दिख रखा है। तो कुछ उनके लिए यार हम लोग बात करते हैं, कुछ उनके लिए डिस्कशन करते हैं यार, बिकॉज वो करने वाले हैं। तो यार यदि आप क्लास 12th में हो और आप भी सोच रहे हो इंजीनियरिंग करने का, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करने का यार, तो यार आप किसी भी ऐसे वैसे रीजन के वजह से इंजीनियरिंग फील्ड को चूज मत करो, किसी भी ऐसे ब्ला रीजन के वजह से यार आप इंजीनियरिंग फील्ड को चूज मत करो। आपके पास प्रॉपर उसका रीजन होना चाहिए कि आपको इंजीनियरिंग क्यों करना है, आपका इंटरेस्ट है। यदि आपका इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग करने का मन नहीं करता है, नए नए चीज़ों को सीखने का मन नहीं करता है, तो यार प्लीज आप इंजीनियरिंग चूज मत करो। अदरवाइज आप भी उन 13 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में से होके जो इधर उधर फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आपको भटकना पड़ेगा, आपको लाइक गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना पड़ेगा, आपको अपना बिजनेस करना पड़ेगा या फिर कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यदि आप बिना इंटरेस्ट के, बिना किसी प्रोस्पेक्टिव के जाकर इंजीनियरिंग कर ले रहे हो किसी भी ऐसे वैसे रीजन की वजह से, तो आज के टाइम में जो टॉप ट्रेंडिंग जॉब्स है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर जॉब्स है। आपको भी पता होगा यदि आप थोड़ा सा भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से अगर लिंक्ड हो तो आपको पता होगा कि टॉप ट्रेंडिंग जॉब्स में आज के टाइम में यार सॉफ्टवेयर जॉब्स आती है। तो यार यदि आपको भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है यार, तो आपको कोडिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको नए नए चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड होना चाहिए यार। बिकॉज यदि आप डेवलपर हो, इंजीनियर हो यार, तो आपको यदि नए नए चीज़ों सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको डेली पढ़ना इंटरेस्टेड नहीं हो, आप ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो यार आपको चूज करने कोई मतलब नहीं है। बिकॉज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर यदि वो रेगुलर चीज़ों को नहीं सीखेगा, नए नए टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो जहाँ पे है वो वहीं पे रह जाएगा, उसका कभी भी लाइफ में ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लाइफ में यदि ग्रो करना है, लाइफ में यदि बेस्ट करना है, तो उनको रेगुलर पढ़ना पड़ता है, रेगुलर सीखना पड़ता है। यदि आपका कुछ ऐसा ओपिनियन नहीं है, आपका कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप यार इस फील्ड को मत चूज करो। मेरा ऐसा मानना है यार इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट कि आप कितना ज़्यादा सीखने में इंटरेस्टेड हो, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हो, या फिर जो भी कुछ है आप सीखने में इंटरेस्टेड हो, लर्निंग आप में बहुत आगे हो, लर्निंग में इंजीनियरिंग इसी को बोलते हैं यार। बाकी आप खुद समझदार हो यार, आपको बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है आज के टाइम में, जिसके पास इतना सारा लाइक टेक्नोलॉजी है, फ़ोन है, इंटरनेट है, तो वो बंदा खुद ही जानता है, तो आप खुद समझदार हो यार। अब बात करते हैं जो लोग कॉलेज में है यार, उनकी मैं बातें बताऊँगा। तो यदि आप यार कॉलेज में हो तो यार आप ट्राई करो कि आप इस फील्ड में इंटरेस्ट लाओ यार, बस केवल आप डिग्री लेने के लिए मत जाओ, वहाँ से डिग्री लेकर निकलोगे यार आपका कोई वैल्यू नहीं होगा, आपको कोई नहीं पूछने वाला। सिंपल सा बात है यार, थोड़ा सा कड़वा है बट सिंपल सा बात है यार, कोई नहीं पूछने वाला। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप, यदि आपको कोडिंग नहीं आती है, आपको प्लेसमेंट ओवरव्यू नहीं पता है, आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है यार, तो आपको कौन लेगा? आप यदि डेवलपर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी, तो यार खुद को स्किल्ड बनाकर निकलो यार। फोर्थ ईयर तक ऐसा कुछ करो कि आपको एक बेस्ट पैकेज ऑफर हो, आप आराम से एक अच्छी पैकेज लेकर के आप अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अपने घर ना जाओ, आप अपने ज्वाइनिंग के लोकेशन पे जाओ, तो कुछ ऐसा ट्राई करो यार। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज बना रखी हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए कॉलेज में, रोड मैप मैंने बना कर रखा है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, इसी चैनल पर है। आई थिंक दैट्स ऑल।
बाकी यदि यार वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि आप नए हो चैनल पे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।